है दोस्त, हमने फिजिक्स के एनसीईआरटी माइंड मैप का रिव्यू कर लिया था, आज हम रिव्यू करेंगे केमिस्ट्री के एनसीईआरटी माइंड मैप की। तो फिर से शिवम को थैंक्स, क्योंकि ये भी शिवम की है। तो जैसे फिजिक्स का एनसीईआरटी कोई भी पढ़ता नहीं है, बहुत ही रेयर कुछ लोग पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के एनसीईआरटी के बेहतरीन पॉइंट मेरे पिछले वीडियो में आपने देख लिया था, फिजिक्स एनसीईआरटी माइंड मैप, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। तो आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का एनसीईआरटी माइंड मैप। तो देखते हैं इसकी क्या खासियत है और ये कैसे है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं इस कम टाइम में। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी देखते हैं। तो इस एनसीईआरटी में 11th है आपकी पूरा 29 पेजेस में, और 12th है आपकी 62, मतलब 30 पेजेस में एज यूजुअल। तो ओवरऑल 62 पेजेस में आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है। तो देखते हैं आखिर इसमें क्या है, कैसे है, लेट्स सी। तो आज मैं टैग तो नहीं करने वाला, क्योंकि आप तो जानते हो कि एनसीईआरटी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट होती है। तो लेट्स वॉच कि हम कम से कम में क्या कर सकते हैं। ओके, मैं जूम करने का ट्राई करता हूँ आपको। तो हाँ, बस जैसे ये टॉपिक देखते हैं, जैसे कि ग्राफ इन्होंने दे रखा है, मैटर, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। वैसे मतलब इसे मेरे हिसाब से तो पढ़ना काफ़ी इजी हो जा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट, हाँ फिजिक्स में ऑफकोर्स आपने फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन पढ़ा है, लेकिन हमने केमिस्ट्री में नहीं देखा। वैसे ये एक्यूरेसी और प्रोसीजर वगैरह, अब प्रोसीजर एक्यूरेसी क्या होती है, बस हम सिंपल इसका रिव्यू कर रहे हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। तो फिजिकल के एनसीईआरटी हम लगभग छोड़ देते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है, अच्छे से दिया हुआ है। तो लेट्स वॉच, ग्राफ वगैरह काफ़ी इजली दिया हुआ है, काफ़ी बेटर आइडियाज से। जैसे कि हाँ, मैं स्टेट्स ऑफ मैटर के आपको दो चार पॉइंटों का रिव्यू कर ही देता हूँ। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर है आपका, स्टेट ऑफ मैटर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, ये है आपका आर की पावर इनवर्सली 6 का प्रोपोर्शनल। अब आप ये बताइए, आपको ये पता था या नहीं पता था? और आप जाके मैच कर लो, JMS 2021 में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है अलग अलग चैप्टर में। डाइपोल, डाइपोल एक में मैचिंग मैच के फॉर्म में आया था और एक में डायरेक्ट पूछ लिया था। तो बस ऐसे ग्राफ वगैरह है, मतलब हम एक हद तक एनसीईआरटी को काफ़ी बेटर आइडियाज से कवर कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा कवर बना के रखा है, काफ़ी अच्छा कवर बेस्ट रूल में कवर किया है। तो लेट्स वॉच फिर से थर्मोडायनेमिक्स, इन्होंने कितने पार्ट में, 1, 2, 3, 4, मतलब इन्होंने 7 पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स को ब्रेक कर दिया है। तो बस सही है, देखते हैं। वैसे इक्विलिब्रियम को भी इन्होंने काफ़ी बेटर 10-12 पॉइंट्स में तोड़ दिया है, मतलब कि मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी के 70% तो पॉइंट कवर ही हो रहे हैं। बाकी इनऑर्गेनिक में आप जितना ज़्यादा एनसीईआरटी कवर कर लो, और आपने अगर अभी तक नहीं कर लिया तो बस एनसीईआरटी माइंड मैप। और मिलेगी कहाँ से आपको, आपको पहले से पता है, डिस्क्रिप्शन में दोस्त। तो बस बाकी जैसा लगे आप बताइएगा। प्लीज़ डाउनलोड एंड फोकस, और ऑल द बेस्ट फॉर नीट, ऑफकोर्स 17 जुलाई, पोस्ट वन नहीं हो रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।